नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2024 इलेक्शन में प्रचार के लिए प्रमुख पार्टियां और अन्य उम्मीदवार अलग अलग भेष बदलकर मैदान में उतर रहे हैं। इनमें कुछ प्रत्याशी अपनी उग्र प्रचार शैली से मतदाताओं का ध्यान खींच रहे हैं। इसमें हौस के तौर पर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार गले में जूतों का हार पहनकर चुनाव प्रचार कर रहा है। इस उम्मीदवार का नाम पंडित केशव देव गौतम है। पंडित केशव देव गौतम गले में चप्पल का हार पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि उन्हें चुनाव आयोग से चप्पल का चुनाव चिन्ह मिल गया है। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। वहीं 5 अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए, दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, मगर किसी भी बड़ी पार्टी ने किसी मुस्लिम व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया है। यहां बीजेपी से सतीश कुमार गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की ओर से अलीगढ़ से बिजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बसपा से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।